खा रहे हैं। बहुत दिनों बाद इडली खाया, इडली खा के निकल रहे हैं। मैं अब थोड़ा और आगे 2 किलोमीटर दूर देखूँगा। वही है ना, थोड़ा डिफरेंट करने का मज़ा ही कुछ अलग है। पूरा दुनिया ठंड में घूमती है, हम साउथ आए हैं गर्मी में घूमने, तो राइडर भी तो कुछ अलग होना चाहिए। सब राइडर एक जैसा हो जाएगा तो कैसे होगा। एक दिन में 800, 700, 600, 900 किलोमीटर खींचता हूँ। बाइक का भी लगता है। बेंगलोर की मार्केट, अभी तो मैंने पूरे इंडिया में टोल बूथ ऐसा नहीं देखा जो बेंगलोर सिटी में। ऐसा टोल सिटी तो है ही नहीं। ये देखो, मैं ये बेंगलोर और कन्याकुमारी, बेंगलोर 226 और कन्याकुमारी 985। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन नाइट राइडर। आज निकल रहे हैं बेंगलोर हैदराबाद से, और हैदराबाद से अब निकलूँगा। 570 किलोमीटर है, 70 74, मतलब 600 किलोमीटर अब ले लो। फिर अभी अब सुबह का 5 बजने जा रहा है, 4:30 हो रहा है। तो आगे मिलते हैं बेंगलोर के रोड पे, आपको थोड़ा दिखाएंगे बेंगलोर का, हैदराबाद टू बेंगलोर का रोड कैसा है। तो बेंगलोर पहुँच के अगले दिन आपको दिखाएंगे कि बेंगलोर का एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो आगे मिलते हैं। ओके भाई, चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के यहाँ पर, और बहुत हेल्प किया इन्होंने, मतलब बहुत चीज़ों में जो चाहिए वो उन्होंने दिया, और ये भाई ने भी बहुत किया, और अंकल जी भी हमारे बहुत देखभाल कर रहे थे बाइक के। तो भाई अपना नाम बताओ। अक्षय भाई है। तभी आप हैदराबाद आओ, इस होटल में आप आओ, इनसे मिल के जाओ, बहुत आपका हेल्पफुल करेंगे। अक्षय भाई नाम है। ये भाई ने भी बहुत रात को मुझे 12 बजे होटल बहुत बढ़िया दिया इन्होंने, मतलब बहुत हेल्पफुल करे। नाम क्या है आपका बताओ? शिवा। आप इस होटल में आइए, इनसे मिलिए, एनी टाइम आपको होटल देंगे रूम। देख सकते हैं सुबह सुबह क्या मौसम हो गया है, पूरा दम बारिश का दम मज़ेदार। इतना गर्मी था, और बेंगलोर हैदराबाद से बेंगलोर जाने में मज़ा आएगा ऐसा मौसम, पर बारिश ना हो, ठंडा रहे, पानी का बूंदे ना गिरे। बस पानी का बूंद गिरेगा तो थोड़ा सा हर चीज़ में इफेक्ट, और कैरी करना पड़ता है बाइक्स पे, फिर रेनकोट पीछे पे कैरीज में बैग वो करना पड़ेगा मेरे को, तो ये चीज़ है सब। बहुत दिनों बाद इडली खाया, इडली खा के निकल रहे हैं। मैं अब थोड़ा और आगे 2 किलोमीटर दूर देखूँगा, 30-40 किलोमीटर। सामने देख सकते हैं पहाड़, कितना अच्छा लग रहा है। ये बेंगलुरु है, देख सकते हैं आप उस पर लोकेशन में, 184 किलोमीटर। कितना अच्छा लग रहा था दूर से देखने में, घर पीछे पहाड़, हाईवे आप देख सकते हैं यहाँ का, उधर वो देख सकते हैं राइट साइड में, कितना अच्छा लोकेशन बना रखा है यार। पहाड़ एक पहाड़ पीछे आने से तो क्या नेचर का अलग ही मजा आ जाता है। और इधर भी पहाड़े हैं थोड़े थोड़े, ऐसी बात नहीं है। बेंगलोर का एकदम मस्त रोड है, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेटी है, बट हवा फ्रंट से है क्या, आगे से हवा है, उतना प्रेशर से चलाया नहीं पा रहे हैं। देख सकते हैं अब मेरा ये जर्नी का, ट्रिप का किलोमीटर, अब बेंगलोर और 970 कन्याकुमारी, बेंगलोर 307 है, बाकी तो इन सब में तो कहीं जाना ही नहीं मेरे को। तो ये है जर्नी। बहुत गर्मी भी है यार, यहाँ गर्मी तो हर जगह है, दिल्ली में भी कम कौन सी गर्मी है यहाँ पे, बट वही है ना, थोड़ा डिफरेंट करने का मज़ा ही कुछ अलग है। पूरा दुनिया ठंड में घूमती है, हम साउथ आए हैं गर्मी में घूमने,
तो राइडर भी तो कुछ अलग होना चाहिए। सब राइडर एक जैसा हो जाएगा तो कैसे होगा। एक दिन में 800, 700, 600, 900 किलोमीटर खींचता हूँ मैं इस गर्मी में। मतलब मैं मानता हूँ दूसरा राइडर के लिए तो इम्पॉसिबल है, बट अपनी तारीफ नहीं करूँगा, है होंगे और भी होंगे। देख सकते हैं हैदराबाद से टू बेंगलोर के रास्ते में पहाड़ की मस्ती, पूरा पहाड़ है और थोड़ा थोड़ा चढ़ाई भी है, ऐसी बात नहीं है खाली पहाड़ है। रोड भी मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा है। ये देख लो ट्रैफिक, ट्रक चढ़ाई पे, ट्रक नहीं चढ़ती इतनी जल्दी। कोई भी गाड़ी रहती जल्दी चढ़ती नहीं है, बस चढ़ जाती है आराम से चढ़ती है। ये देख सकते हैं अभी पहाड़ों के ऊपर हूँ मैं, ज़्यादा ऊँचा नहीं है, छोटा छोटा है, बस फीलिंग पहाड़ों की आ रही है ना, मतलब इधर के आया पहाड़ मिल गया। राइड में पहाड़ ना मिले तो मज़ा भी तो नहीं है। ये देख सकते हैं पूरी पहाड़ की ये सकते नज़ारे, बेंगलोर का हैदराबाद टू बेंगलोर रोड का नज़ारे देख सकते हैं हम। और रोड भी देख सकते हैं लाल लाल है अभी तो। इसके बाद वो जो नीचे से उतरेगा ना बहुत कुछ अलग आएगा, मुझे नहीं पता बट मुझे लोकेशन देख के लग रहा है। देख सकते हैं अभी अभी जैसे अभी ये चढ़ गया, अभी रुक गया, आ गया आ गया आ गया आ गया, अभी कुछ आएगा 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 आएगा, खतरनाक आएगा। ये देखो ये देखो ये देखो, ये लग रहा है इंडिया में, मुझे तो नहीं लगता है ऐसा इंडिया में है, बट इंडिया में जो है वो किसी वर्ल्ड में नहीं है, ये मैं मानता हूँ। मानता क्या, पूरी दुनिया मांगती है, इंडिया में जो है वो और कहीं है ही नहीं। ये रोड देख सकते हो जैसे फॉरेन कंट्री में भी नहीं होगा। अब एक पागल आ रहा है, बिना हॉर्न मारे निकलते हैं। ये देखो मैं ये बेंगलोर और कन्याकुमारी, बेंगलोर 226 और कन्याकुमारी 985, बट मैं घूम घूम के जाऊंगा। सीधा जाने का तो मैं तो ये एक दिन में और कन्याकुमारी पहुँच जाऊँगा, बट नहीं करना है ऐसे। 600 किलोमीटर पड़, 200 कम हो जाएगा माइनस करके, हाँ 600 लगभग, तो एक दिन में तो मैं 600, 700, 800 किलोमीटर तक खींचने का ही दम रखता हूँ मैं, 1000 किलोमीटर तक खींचने का दम रखता हूँ। ब्रेक लंच हो गया, KFC बर्गर, चिकन बर्गर, वो भी एक नहीं दो, एक खाने के बाद एक और खाने का मन करा। राइड कर रहे हैं, भूख ज़्यादा लगती है, बॉडी कैलोरीज बहुत ज़्यादा बन होती है, गर्मी दे सकते हैं, और KFC खा के मज़ा भी आ जाता है, तो दो खाया मज़ा आ गया। अब दो खा के अब बेंगलोर की जर्नी पे, 180 किलोमीटर है। चले बाय बाय KFC, आई एम गोइंग टू बेंगलोर। वाह एनर्जी आ गया यार, क्या बात है। अब तो सीधा 100-100 किलोमीटर तारा मिलेगा ही नहीं कभी। ये देख सकते हैं सामने पंखे, ये पंखे देख सकते हैं, एक 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 करोड़ की बोला जाता है ये, और बहुत बड़ा होता है ये, सामने से देखोगे तो पता चलेगा। बट इसका पता नहीं किस लिए लगाया जाता है, बट यहाँ पे ना ज़्यादातर आपको साउथ में ही ज़्यादा मिलेगा, केरला साइड में भी मिलेगा अभी। जैसे अभी मैं हैदराबाद टू बेंगलोर वाले रोड पे हूँ, तो मेरे को अभी ये मैं भी फर्स्ट टाइम देखा है, मैंने देखा नहीं है। मैं मुंबई टू गोवा भी गया हुआ हूँ, बट मैंने देखा नहीं ऐसा, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने अभी देखा है, ये मैंने फॉरन में ही देखा हुआ है। अब किस लिए होता है ये तो मुझे भी पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, बढ़िया अच्छा लग रहा है देख के। इधर भी देखो लेफ्ट एंड राइट में भी बहुत है, लेफ्ट एंड राइट सब जा रहा है, देख सकते हैं नज़ारा आप उसका। ये
आपका हैदराबाद से बेंगलोर का। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, पहाड़ है और स्टेट रोड, ऐसे लग रहा फॉरेन है, फॉरेन कंट्री लग रहा होगा आप लोगों को, देख सकते हैं। मज़ा आ गया देख के, आपको देख के मज़ा आ गया, मैं राइड करके मज़ा आ रहा है मेरे को तो। यही है राइडिंग का मज़ा, थोड़ा दूर, थोड़ा अलग अलग टाइप नेचर, अलग अलग स्टाइल का रोड, अलग अलग नेचर के साथ। ये देख सकते हैं बेंगलोर से 50 किलोमीटर पहले का रोड, देखो आप कैसा रोड का कवर, वाव, मतलब अलग ही दिख रहा दूर से यार। मतलब ये जो रोड दिख रहा है ना, मज़ा आ गया दूर से देख के तो। ऐसे रोड का तो मज़ा ही कुछ अलग है राइड करने का, ऊपर से ऐसे दिखता है जन्नत की तरह रोड दिखती है। ऊपर से इधर भी पहाड़े हैं, ऐसी बात नहीं है, इधर थोड़ा गर्मी ठीक है, इधर ज़्यादा गर्मी नहीं है, ओके। ये देख सकते हैं बच्चे कितने मस्ती में, ये रोड देख सकते हैं बेंगलोर से 20 किलोमीटर पहले ही रोड है, बड़ा खतरनाक रोड है, मतलब मज़ा आ गया इस रोड पे तो। ये मज़े के साथ ही है, ऐसे लोगों के साथ सजा भी है, मोबाइल भी देख रहा है, रोड भी क्रॉस कर रहा है, वाह। बेंगलोर सिटी यार, बेंगलोर सिटी आ ही गए यार, मज़ा आ गया इस बेंगलोर सिटी में। अब थोड़ा भगा इस सिटीज के अंदर, ओ गो स्लो, ये ओके, आई एम गो स्लो। देख सकते हैं बेंगलोर सिटी, ये देख सकते हैं बेंगलोर सिटीज का टोल बूट कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है यार। ये देख सकते हैं आप बेंगलोर सिटी, वाओ नाइस यार। टोल टैक्स ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, फॉरेन कंट्री जैसा लग रहा है। ओहो माई गॉड, क्या टोल बूट है यार, अभी तो मैंने पूरे इंडिया में टोल बूट ऐसा नहीं देखा, तो बेंगलोर सिटी में ऐसा टोल सिटी तो है ही नहीं। थोड़ा रुकते हैं, रेस्ट करते हैं। देख सकते हैं बेंगलोर, बेंगलोर भी बहुत सुंदर है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग ही देखिए, यहाँ का सीपी की तरह लग रहा है यार यहाँ पे भी, वाह नाइस। बेंगलोर में तो मुझे फील ही नहीं लग रहा है कि बेंगलोर हूँ या दिल्ली में हूँ, बेंगलोर बहुत अच्छा है यार, मतलब वो बारिश हो रखी है इधर। ये देख सकते हैं बेंगलोर की मार्केट, यहाँ भी लोग बहुत है अच्छे हैं। देख सकते हैं ऊपर का ओवर ब्रिज, ये बेंगलोर, बेंगलोर तो बहुत बढ़िया है, गुड़गांव जैसा ही है, बता नहीं सकता।
बाइक का भी लगता है, बाइक का भी लगता है। बाइक का भी पार्किंग लगता है, बाइक का भी टोल लगता है। अभी हैदराबाद से बेंगलोर आए तो मैं 6 बजे पहुँचा हूँ। बहुत मतलब मौसम भी अच्छा था और एंट्री करते ही बेंगलोर का जो मौसम और यहाँ का जो सिटीज़ का जो लुक देखा ना, मतलब मज़ा गया। मतलब गुड़गांव और दिल्ली टाइप थोड़ा मिक्स लगा मेरे को। तो आज मैं अपने भाई के घर आया हूँ। ये मेरा भाई है, ये देख सकते हैं। हेलो, सागर है। और हाय, मेरा नाम अनुराग है, सागर का दोस्त है। तो ये दोनों भाई आज इतने मस्ती किए हैं, अब कल हम इनके साथ ब्लॉग बनाएंगे सुबह। तो सुबह इनके साथ मिलते हैं। आई होप आप लोग वीडियो पूरा देखा होगा आपने। तो लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें।